तो गाइस 2023 में हमें बॉलीवुड और साउथ दोनों से अच्छे अच्छे मूवीज देखने को मिले और इसलिए आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों के बारे में बात करेंगे। तो मेरी इस लिस्ट की जो नंबर 1 पर फिल्म है उसका नाम है जवान। गाइस इस फिल्म को 7 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर ही 127 करोड़ का कलेक्शन किया था, वहीं वर्ल्ड वाइड 1148 करोड़ का कलेक्शन रहा था जवान का। मेरी इस लिस्ट की जो नंबर 2 पर फिल्म आती है वो शाहरुख खान की फिल्म पठान है, जिसका भी कलेक्शन 1000 करोड़ का रहा था। पठान वायर ऑफ यूनिवर्स की फोर्थ इंस्टॉलमेंट थी, जिसे कि रिलीज किया गया था 25 जनवरी 2023 को। इस फिल्म का जो बजट था वो था 225 करोड़ का, वहीं पर इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1050 करोड़ का कलेक्शन किया था। तीसरी फिल्म है एनिमल, जिसने 2 हफ्तों तक लगातार बॉक्स ऑफिस पर रूल किया और अभी भी अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है। मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड वाइड से इस फिल्म ने 270 करोड़ का कलेक्शन किया है और इस फिल्म को रिलीज किया गया था 1 दिसंबर 2023 को, जिसमें हमें रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और रश्मिका पिवोटल रोल में नजर आए थे। हमारी इस लिस्ट की नंबर 4 पर जो फिल्म आती है वो है गदर 2। इस फिल्म ने सनी देओल के करियर को सिर्फ रिवाइव ही नहीं दिया बल्कि ये उनकी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी बनी। मैं आपको बता तो कि इस फिल्म का जो बजट था वो था 60 करोड़ का, वहीं पर वर्ल्ड वाइड का जो कलेक्शन रहा था इस फिल्म का वो था 690 करोड़ का। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला। नंबर 5 पर आती है थालापति विजय की फिल्म लियो। इस फिल्म में हमें संजय दत्त और अर्जुन सारजा ये दोनों भी देखने को मिले थे और क्योंकि ये फिल्म एलसीयू का पार्ट था तो इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में फायदा हुआ। मैं आपको बता दूं कि लोकेश कनगराज की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने 620 करोड़ का कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड से। नंबर 6 पर है जेलर, जो फिल्म रजनीकांत की एक एक्शन कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म थी, जिसमें मोहनलाल और शिवराज कुमार के कैमियो की वजह से इस फिल्म को इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में और भी फायदा मिला। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो बजट था वो था 200 करोड़ का, वहीं पर इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड से 607 करोड़ का कलेक्शन किया। नंबर 7 पर जो फिल्म है वो है टाइगर 3। ये फिल्म वायर ऑफ यूनिवर्स की 5th इंस्टॉलमेंट है, जिसमें हमें सलमान भाई, इमरान हाशमी एंड कटरीना कैफ पिवोटल रोल में नजर आए थे। मैं आपको बता दूं कि फिल्म का बजट 300 करोड़ का था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड से 466 करोड़ का कलेक्शन किया था। नंबर 8 पर है सलार पार्ट 1 सीज फायर। इस फिल्म को 20 दिसंबर को रिलीज किया गया था, जिसमें प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन एंड श्रुति हसन ये लोग लीड रोल में नजर आए थे। मैं आपको बता दूं कि फिल्म का बजट 270 करोड़ का था, वहीं इस फिल्म ने अभी तक 500 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है वर्ल्ड वाइड से। नंबर 9 पर है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसे की 28 जुलाई 2023 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म में हमें रणवीर सिंह के साथ आलिया भट्ट देखने को मिली थी लीड रोल में। मैं आपको बता दूं कि फिल्म का बजट 160 करोड़ का था, वहीं पर इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड से 355 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। हमारे इस लिस्ट की आखिरी मूवी यानी कि नंबर 10 पर जो फिल्म है वो है आदि पुरुष। ये फिल्म हिंदू इपिक रामायण पर बेस्ड मिथोलॉजिकल फिल्म थी, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ज्यादा नहीं था लेकिन इसका जो बजट था वो काफी ज्यादा था। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट 500 से लेकर 600 करोड़ का था, वहीं पर इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड से 450 करोड़ का कलेक्शन किया था। तो गाइस ये थे 2023 के टॉप 10 फिल्में जिसने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा की कमाई की थी। बाकी मैं आपसे जल्दी मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।